नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। सीटेट प्रिपरेशन में ये समय और काम का पार्ट टू है। इसके पहले हम लोग पार्ट वन देख चुके हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने दो प्रश्न देखा था, जो बेसिक ज्ञान समय और काम का जो नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज का जो वीडियो है, इसमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। यानी प्रश्न को देखिए और आंसर आपके पास। मैं इस वीडियो में ऐसे ट्रिक्स को बताने जा रहा हूँ जो प्रश्न को देखते ही आंसर आपके पास आएगा। अब देखिए प्रश्न क्या है। अनिल किसी काम को 10 दिनों में तथा पवन उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी दो आदमी हो और अलग अलग दिनों में उसी काम को पूरा करता हो, यहाँ पर कोई काम है, इस काम को अनिल ने 10 दिनों में पूरा कर रहा है और इसी ने दूसरा आदमी पवन ने 15 दिन काम करने में लगता है। अब ये दोनों व्यक्ति मिल जा रहा है, दोनों मिल करके कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो करना क्या है, दोनों के अलग अलग दिनों को या जो दोनों का अलग अलग समय है, उस समय को आपको कुछ नहीं, सीधा गुना कर देना है। दोनों के समय को गुना कर देना है। तो दोनों के समय, पहला का समय है 10 दिन और दूसरा का समय है 15 दिन, तो 10 और 15 को हमने गुना कर दिया। जो समय को आपने गुना किया, उसी समय को आपको जोड़ देना है। क्या करना है, उसी समय को आपको जोड़ देना है। जो समय आपने गुना किया, उसी समय को आप जोड़ दीजिए। बस आंसर आपका आ गया 15 दही 150, और ये हो गया 15 10 25, 25 6 150 कट गया, 6 दिन इसका आंसर आएगा। आंसर आ गया आपका हाथ में। यदि इस तरह का प्रश्न आवे कि अलग अलग दो व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग समय में करता है और फिर एक साथ मिल जाता है दोनों, और एक साथ मिलने के बाद कितना दिन में पूरा करेगा, तो दोनों के समय को ऊपर गुना करते हैं। ध्यान देंगे, दोनों के समय को गुना करें, ऊपर में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और दोनों के समय को जोड़ते हैं। बस यही आपका ट्रिक्स है। देख लिया आपने ट्रिक्स कितना इजी है। दोनों के समय को ऊपर गुना कीजिए, 10 और 15 को गुना कीजिए और 10 और 15 को जोड़ दीजिए। इसी तरह का एक और प्रश्न हम लेते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, राम किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है और उसी काम को श्याम 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो दोनों को यदि हम एक उसी काम में लगा दें तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। इसके लिए क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि समय को ऊपर गुना करते हैं, 6 × 10, और नीचे 6 और 10 को जोड़ देते हैं। 6 × 10 = 60, इधर हुआ 16, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा ये आपका हो गया इतना दिन। तो सिंपल सा है। चलिए हम लोग टाइप, अलग तरह के टाइप देखते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मेरा पहला ये प्रश्न था, आप लोग क्वाद होगा, ये मेरा पहला प्रश्न था जिसको हम लोग बेसिक तरीके से बनाए थे और इतना लंबा बना था। अब इसको जो अभी हम लोगों ने फार्मूला से बनाया या ट्रिक्स से बनाया, उस ट्रिक्स को देखते हैं। राम को करने में 12 दिन और उसी काम को श्याम को करने में 24 दिन, तो दोनों मिला करके, तो हम लोगों ने क्या बताया कि ये दोनों को गुना करिए, 12 × 24, और फिर क्या बताया कि दोनों को जोड़ दीजिए, 12 जोड़ 24। अब 12 और 24 को गुना करिए कितना होता है, ये दोनों को आप गुना करेंगे 288 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 36 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 8 आएगा, जो आपका आंसर कल हम लोग देखे थे कि इस तरह से 8 आता है। तो ये ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या हुआ कि दोनों जो अलग अलग काम करता है, इसको गुना करिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए और फिर शॉर्ट ले आइए। अब हम लोग चलते हैं आगे का एक दूसरा टाइप। यहाँ देखिए, ये बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ तीन आदमी है, ये उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है
और सी उसी काम को 18 दिन में करता है। अब यहाँ पर तीनों एक साथ मिल गया, ए बी सी, अब ये तीनों एक साथ मिल गया तो तीनों इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा ये हमको देखना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, ट्रिक्स क्या है, इस ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि ये जो अकेले है 10 दिन 15 दिन 18 दिन, इसको हम लोग जैसे उसमें ऊपर में गुना किए थे, यहाँ पर भी गुना कर देना है। ऊपर में तीनों के काम के दिनों को, यानी जो समय है ऊपर वाले समय, तीनों के अलग अलग समय को हम लोग गुना कर देते हैं। तीनों के समय को गुना कर दिए, अब क्या करते हैं, पहले दोनों के समय को गुना करके और जोड़ दीजिए। अगर ये बाकी दोनों के समय को गुना करके जोड़ दीजिए, और अब शुरू और अंत को गुना करके जोड़ दीजिए। अभी ऊपर में तीनों को गुना करेंगे तो आएगा आपका 2700, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 180। 2700 600, अब इसको कैंसिल करिए, 2020 कट गया, 3 से 3, 3 दूनी 6 और 9 27 यानी 9/2 आया। इसको हल करेंगे 4.5 यानी 4.5 दिन में इस काम को तीनों मिलकर के समाप्त कर सकते हैं। तो कितना इजी है, यदि तीन आदमी मिलकर के काम करेगा तो तीनों के समय को ऊपर में गुना कर देना है, तीनों के समय को ऊपर में गुना कर देना है, तीनों के समय को ऊपर में गुना कर दिया। अब जोड़ना है, पहले ये दोनों को ए गुने बी जोड़ बी गुने सी जोड़ ए गुने सी, यानी दोनों को गुना करके फिर ये दोनों को गुना करके फिर ये दोनों को गुना करके जोड़ देना है, और ऊपर तो गुना होगा ही, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा ये उतने दिनों में इस काम को समाप्त कर देगा। यहाँ पर देखिए ये टाइप 3 प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर के कितना दिनों में कर दे रहा है, 6 दिनों में। बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, बी जोड़ सी ये दोनों मिलकर के 10 दिनों में, और सी और ए मिलकर के, ए प्लस सी ये दोनों मिलकर के 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। अब इसी तीनों व्यक्ति को मिला दिए जाए, ए प्लस बी प्लस सी तो कितने दिनों में समाप्त करेगा इसको हमको देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे सिंपल सा तरीका है कि ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है तो 2 पहले लगा दीजिए अपने मन से, और ये तीनों को गुना कर दीजिए, 6 × 10 × 12 हो गया। इसमें क्या करते हैं, 2 के साथ में 2 अपने मन से बैठाना है, और इनका जो समय है इस समय को यहाँ पर आपको गुना कर देना है, और फिर क्या करना है, ये समय को जैसे हम लोग उसमें किए थे 6 × 10 + 10 × 12 = 12 × 6 ये कर देना है। नीचे में 2 देने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर में आपका 2 आएगा। अब इसको देखिए, 6 × 12 बराबर है 44 से, 44 × 10 एक इतना हुआ, इसको हल करेंगे 60, ये आपका हो जाएगा 120, 72 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 252। इसको डिवाइड करेंगे 5.5/7 दिन आएगा। तो यदि इस तरह से प्रश्न आए कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, या कोई भी समय दिया हुआ रहे, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, और सी और ए उस काम को 12 दिनों में करे,
तो इसमें इस तरह यदि आ करके रहता हो और अंत में कहता हो कि तीनों मिला करके कितने दिनों में करेगा, तो इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि आप इसको यहाँ दो अपने मन से लिखिए और ये तीनों को यहाँ पर गुना कर दीजिए। और जो इसके पहले हम लोग किए थे कि ए गुने बी जोड़ बी गुने सी जोड़ ए गुने सी, ये तीनों को नीचे इस तरह का गुना करके आप यहां पर लिख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने यहां पर तीन तरह का प्रश्नों को देखा और ट्रिक से देखा। कल कोई आदमी काम छोड़ करके चला जाता है या फिर कोई बीच में आ जाता है या फिर छोड़कर चला जाता है, इसका वीडियो कल देखेंगे। और उसके बाद अन्य तरह के प्रश्नों को भी इसमें हम लोग कवर करेंगे और फिर आप लोगों से अधिक प्रश्न इसमें हम करवाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।